अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका निमो किचन में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में कॉफ़ी कस्टर्ड, क्योंकि मीठी ईद पर तो वही ट्रेडिशनल मीठा बनता है, शीर खुरमा बनता है, और बड़ी ईद पे तो हम ज़रा चेंज भी कर लेते हैं। तो कॉफ़ी कस्टर्ड बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम लोगों को कोको पाउडर चाहिए, 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर चाहिए, 1 टेबल स्पून हम लोगों को कॉर्नफ्लोर चाहिए, और यहाँ पर 1.5 कप हम लोगों को चीनी चाहिए, और यहाँ पर 1.5 लीटर हम लोगों ने दूध लिया है जिसे बॉयल्ड आने के लिए फ्लेम पे रख दिया है। अब हम लोग ये जो चीनी है ये दूध में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध जो है वो आप लोग कोशिश करें कि डब्बे वाला यूज़ करें, नॉर्मली जो घर में दूध यूज़ होता है वो ना करें, क्योंकि डब्बे वाले जो दूध होते हैं वो क्रीमी होते हैं, ऑलपर्स या मिल्क पैक, तो उससे जो कस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और क्रीमी टेक्सचर आता है। और जो है शुगर वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को कम लगती है तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अभी 1 से 2 बॉयल्ड जब तक नहीं आ जाते तब तक हम लोग इसको कुक करेंगे। अब यहाँ पर जो है कॉर्नफ्लोर, उसमें भी हम ठंडा दूध ऐड कर रहे हैं, ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड में भी मैंने दूध ऐड कर दिया, और ये कोको पाउडर है, इन तीनों चीज़ों में मैंने ठंडा दूध ऐड कर दिया, और ये सेपरेट से लिया था, यहाँ पे दूध में भी बॉयल्ड आ चुका है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर में मैंने दूध को डाल के रखा था, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए, और जो कॉर्नफ्लोर है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसे डाल देते हैं अपने मिल्क में ताकि जो दूध है वो अच्छे से थिक हो जाए। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ जो है चम्मच भी हिलाते जाएंगे, इस तरह से ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग जो है वो कस्टर्ड को भी इसी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे दूध के साथ, और इसे भी मिल्क में ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखें, ये अब हम लोग कस्टर्ड भी इसमें ऐड कर देते हैं। कस्टर्ड हम लोग इसलिए यूज़ करें क्योंकि कॉर्नफ्लोर का जो है वो एक अपना टेस्ट होता है और अपनी स्मेल होती है, उसको जो है ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं। वनीला कस्टर्ड ही होना चाहिए क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता है और हमें कोई कलर चाहिए भी नहीं, और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर डाल के दूध जो है हमने अच्छे से पका लिया और ये थिक हो चुका है, इतनी थिकनेस हमें चाहिए। अब हम लोग इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने दूध में मिक्स करके रखा था। ये देखें जी, कोको पाउडर जो है वो आप लोगों की क्वालिटी और कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर तो आप लोगों की जो कंपनी अच्छी वाली है तो कोको पाउडर कम डलेगा, अगर कंपनी अच्छी वाली नहीं है तो फिर कोको पाउडर की जो मिकदार है वो ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो फिर ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग पहले टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को अगर लगे कि और ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग और एडिशन कर सकते हैं। अब हम लोग तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड करेंगे। ये देखिए जी, कॉफ़ी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, कॉफ़ी का सिर्फ हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए। अब सारी चीज़ें डाल के जो है कॉफ़ी की कस्टर्ड की बेस जो है हमने तैयार कर ली है। अब हम लोग इसे जो है 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है कॉकटेल का एक टिन चाहिए है, बेक टाइम जो केक है वो कॉफ़ी फ्लेवर में भी चाहिए और चॉकलेट फ्लेवर स्लाइस में भी चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों को क्रीम चाहिए है, और यहाँ पर जो कॉफ़ी कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है, पर आप देख सकते हैं इसमें ज़रा लम्स हैं, तो हम लोग इसको जो है एक बार ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। सबसे पहले हम लोग कस्टर्ड में जो है पूरी मिल्क पैक क्रीम का जो पैक है वो ऐड कर देंगे, फिर हम लोग इसको इसके बाद ब्लेंड करेंगे ताकि जो क्रीम है वो भी अच्छे से कॉफ़ी कस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाए। पहले क्रीम को एक बार हम लोग स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे इसके बाद ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग इस तरह से जो है इसे बीट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास जो है वो हैंड बीटर नहीं है तो आप लोग इसको जूसर जार में डाल के भी अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। चलिए, अब जो है वो लास्ट टच है, इस तरह से मैंने स्लाइस में केक को कट कर लिया है। अब हम लोग जो है असेंबल कर देते हैं कॉफ़ी कस्टर्ड को। सबसे पहले यहाँ पर जो कॉफ़ी फ्लेवर का केक है वो मैं इस तरह से स्लाइस जो है इसके कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। अगर तो आप लोग केक जो है वो कम पसंद करते हैं तो कम लगाइएगा, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्लाइस लगाना चाहते हैं इस तरह से। अब जो है वो हाफ टिन में कस्टर्ड में मिक्स कर दूंगी कॉकटेल का, और हाफ जो है वो हम लोग लेयरिंग में डालेंगे। इस तरह से हाफ डाल के मिक्स कर दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग जो है वो कस्टर्ड पोर करते हैं अपने बाउल में इस तरह से। ये देखें, ये लम्प फ्री है। अब दूसरी लेयर जो है वो हम लोग चॉकलेट केक की लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर चॉकलेट केक की लेयरिंग हो चुकी है। अब बीच में जो है वो थोड़े से कॉकटेल की लेयरिंग कर ली है। अब वापस जो है हम लोग कस्टर्ड ऐड करेंगे।
अब लास्ट में जो डेकोरेशन है वो आप पे डिपेंड करती है, आप जिस तरह भी करना चाहें। मैं ज़रा कुछ इस तरह से केक के स्लाइसेस लगा रही हूँ लास्ट में, आप जिस तरह से जो है वो डेकोरेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मिडल में जो है वो इस तरह से कॉकटेल ऐड कर देंगे, ये सारे मिक्स फ्रूट हम इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में जो है थोड़ी सी कॉफ़ी और चॉकलेट केक का जो एक चंक था उसे मैंने जो है अच्छे से श्रेड करके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और थोड़ी सी जो क्रीम है उसे डेकोरेशन इसकी कर दी है, और बीच में एक शेरी लगा दी है। लीजिए यहाँ पे मज़ेदार सा जो है हमारा कॉफ़ी कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है। इस ईद इस स्पेशल मीठे को ज़रूर ट्राई करिए और अपने ईद को और स्पेशल बनाइए और मीठा बनाइए। इंशाल्लाह आप सबको ये मीठा जो है वो बहुत पसंद आएगा, और इसे जितना ठंडा करके खाएँगे आप लोगों को उतना मज़ा आएगा। तो जनाब अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें, इसे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।